आज का हमारा टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ लिंक लिस्ट। एप्लीकेशन ऑफ लिंक लिस्ट में अगर हम बात करें और थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर हम बताएं तो हम ऐसे कह सकते हैं कि भाई लिंक लिस्ट डायनेमिक रूप से कोडिंग के लिए यूज में आती है। इसके अलावा ग्राफ में आप इसे यूज कर सकते हैं, ट्री में यूज कर सकते हैं, और इसके अलावा लिंक लिस्ट से आप कोई प्रोजेक्ट और डेवलप करना चाहें तो कर सकते हैं। लेकिन मैं इसके बेस पर कुछ प्रोग्रामिंग शामिल कर रहा हूँ। जैसे अगर आप मान लीजिए आपके पास कोई लिंक लिस्ट है और उसमें आप ये कहते हैं कि भाई मुझे कोई डेटा को सर्च करना है, जैसे 7, 6, 3, 8 ये स्टार्ट, तो मैं चाहता हूँ कि यार ये पता करो कि यार 3 उसमें उपलब्ध है या नहीं है। तो सिंपल सी बात ये है कि सबसे पहले आपको लूप चलाना पड़ेगा। लूप मतलब एप्लीकेशन के अंदर सब में शामिल ही रहेगा, जैसे टैम बराबर स्टार्ट, टैम्प नॉट इक्वल्स टू नल, टैम्प कब तक चलेगा जब तक क्या ना आ जाए नल, मैं क्रॉस के रूप में दिखा रहा हूँ इसको, और टैम्प बराबर टैम्प का नेक्स्ट, आगे से आगे चलता रहे। अब क्या चाहते हो तुम? तुमने कहा कि सर मैं ये देखना चाहता हूँ कि क्या 3 उपलब्ध है या नहीं है, तो आपको उससे पहले सीन इनपुट कराना पड़ेगा सर्च डेटा। मान लीजिए उस वेरिएबल का नाम मैंने सर्च लिया है। ये ऑपरेशन तभी होंगे जब आप क्रिएशन ऑफ लिंक लिस्ट कर चुके हो, इस बात का जरूर ध्यान रखना। और उससे पहले अगर आप मैसेज करना चाहते हैं तो सी आउट करके आप मैसेज देंगे। आप पूछेंगे यदि आपका टैम्प का डेटा अगर इक्वल्स टू है किसके सर्च वैल्यू के, तो मैं ये कह सकता हूँ भाई वो फाउंड हो गई है, नॉट फाउंड हुई है, कुछ भी। तो जैसे एरे में सर्च करते वैसे ही एफ बराबर 0 होगा, जैसे ही वो उसके बराबर होगी तो एफ क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। कर्ली ब्रेसेस मैंने बंद किया, लूप के बाहर आके मैं पूछूंगा जैसे एरे में लीनियर सर्चिंग थी, यदि एफ बराबर 1 है तो हम लोग लिख देंगे फाउंड, सी आउट फाउंड, और एल्स हम लोग कह देंगे नॉट फाउंड। यदि आप ये कह दें कि भाई ये तो सर्च हुआ है, मैं आपको ये कह दूं कि भी मान ले 3 है या कोई वैल्यू है वो कितनी बार आ रही है, तो कोई एक्स्ट्रा काम आपको करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको एक काउंटर की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे एफ प्लस प्लस आपने लिख दिया, एफ 0 था, जब जब टैम का डेटा सर्च वैल्यू के बराबर होगा, मान लीजिए 3 है, तब तब एफ क्या हो जाएगा, इंक्रीमेंट हो जाएगा, और फिर आप उस एफ की वैल्यू को प्रिंट करवा लेंगे। इसी तरह से मान लीजिए मैं कह दूं कि काउंट करें भाई, नंबर ऑफ नोड को काउंट करें भाई, कितनी वैल्यू है ये पता करें, तो कोई एक्स्ट्रा काम आपको नहीं करना है, ये वाली लाइन आपकी हट जाएगी, क्रॉस हो जाएगी, और ये अपने आप जितनी बार लूप चलेगा उतनी बार ये नंबर ऑफ नोड को क्या कर लेगा, काउंट कर लेगा। यदि अगर आप कहते हैं कि मुझे हाईएस्ट वैल्यू पता करनी है, तो एक तरह से ये एरे ही है, कुछ नहीं करना आपको, हाईएस्ट वैल्यू पता करनी है तो एक वेरिएबल लेना है आपको। मान लीजिए आपने एच नाम का वेरिएबल लिया, लेने के बाद आप ये पूछेंगे कि यदि टैम्प का डेटा बड़ा है किससे, एच से, मतलब किसी भी एच से टैम्प का डेटा बड़ा है तो एच बराबर टैम्प का डेटा हो जाएगा, मतलब जो भी वैल्यू बड़ी होगी टैम्प के डेटा की वो एच में आ जाएगी, और लास्ट में आप उस एच की वैल्यू को प्रिंट करवा लेंगे। जैसे कि इसके अंदर सबसे बड़ी वैल्यू क्या प्रिंट होगी, 8। इसी चीज़ को हम ये भी कह सकते हैं कि वो हाईएस्ट वैल्यू की पोजीशन क्या निकली है वो भी हम लोग पता कर सकते हैं। उसके लिए आपको एक काउंटर चलाना पड़ेगा, सी प्लस प्लस होता रहेगा, और जैसे ही ये वाली लाइन होगी, मैं वापस से बता रहा हूँ कि ये वाली लाइन होगी यहाँ पे, तब आप कहेंगे कि सी बराबर, ये तो आपको लिखना ही है कि एच बराबर टैम्प का डेटा, ताकि वैल्यू आ जाए। साथ में आपको पोजीशन भी पता करनी है कि वो कौन सी पोजीशन है, तो आपको इसमें थोड़ा सा फ़र्क ये डालना पड़ेगा कि यदि टैम का डेटा एच से बड़ा है तो टैम का डेटा तो एच में आएगा ही आएगा, साथ में आपकी
पोजीशन भी आप पता कर लेंगे कौन सी पोजीशन है। फ़ायदा फ़ायदा ये होगा कि अगर आपसे कोई कहे कि मुझे प्रायोरिटी लिंक लिस्ट बनवाएं, तो ढंग से सुनिएगा, प्रायोरिटी लिंक लिस्ट। तो प्रायोरिटी लिंक लिस्ट में हम सबसे बड़ी वैल्यू को भी डिलीट कर सकते हैं वन बाई वन, सबसे छोटी वैल्यू को भी डिलीट कर सकते हैं। इसका मतलब मान के चलो कि जैसे ही आपने बड़ी वैल्यू की पोजीशन पता कर ली, तो अब आपको उस पोजीशन पर पहुंचकर, जैसा कि आपने अगर गलती से डिलीशन एट मिडल पढ़ा है, टैम बराबर स्टार्ट, मैं टी बराबर एस लिख रहा हूँ, टैम नॉट इक्वल टू नल और टैम बराबर टैम का नेक्स्ट, तो वही सेम चीज़ कि अगर सी बराबर बराबर पोजीशन माइनस वन है, तो टैम बराबर टैम का नेक्स्ट बराबर टैम का नेक्स्ट बराबर टैम के नेक्स्ट का नेक्स्ट और सी प्लस प्लस, मतलब उस पोजीशन की वैल्यू को ये क्या कर देगा, डिलीट कर देगा। अब एक बात को समझिए कि ये नहीं कि आप सोच में पड़ गए कि यार ये कैसे डिलीट हो रहा है, एक तरह से डिलीशन एट मिडल ही करवा रहा हूँ आपको, ये नहीं बार बार यही सोचते रहे यार डिलीशन मिडल, मैंने सिंगली में भी आपको डिलीशन मिडल कराया है, डबली में भी कराया है, कुल मिला के आपके पास पोजीशन आ चुकी है, टैम बराबर स्टार्ट लूप चलाया, आपने कहा अगर सी पोजीशन माइनस वन के बराबर तो टैम का नेक्स्ट बराबर टैम के नेक्स्ट ऐसे जुड़ेगा और वो वैल्यू डिलीट हो जाएगी और एक तरह से वो प्रायोरिटी लिंक लिस्ट की तरह काम करेगा। तो मैंने दो प्रोग्राम आपको बताए, हाईएस्ट वैल्यू भी निकालना और उस हाईएस्ट वैल्यू को सर्च करके डिलीट करना। यदि मैं नेक्स्ट एप्लीकेशन लेता हूँ तो मैं कहता हूँ मर्ज ऑफ टू लिंक लिस्ट, दो लिंक लिस्ट है उनको मर्ज करना है, छोटी छोटी दो लिंक लिस्ट बना लेते हैं हम लोग समझने के लिए। मतलब मान के चले कि क्रिएशन का प्रोग्राम एक बार ना होकर दो बार चलेगा, स्टार्ट वन रख लेते पहली बार, उसके अंदर मान लीजिए 763 है और इसी तरह से एक और हो जाएगा, दोबारा से चॉइस नंबर एक अलग सी लेकर उसमें स्टार्ट टू के द्वारा आप नई लिंक लिस्ट बनाएंगे। मैंने कहा मर्ज ऑफ टू लिंक लिस्ट, अगर दो लिंक लिस्ट है तो हमें उसको मर्ज करना है। सिंपल सी बात है कि ये लास्ट पोजीशन आपको फर्स्ट से जोड़नी है, लास्ट तक पहुंचना कैसे है, कई बार मैंने आपको बताया है कि फोर टैम बराबर स्टार्ट टैम्प कब तक चलेगा, नल आने तक, तब तक क्या होगा, तब तक टैम बराबर टैम्प का नेक्स्ट होगा, ठीक है। जैसे ही लूप रुकेगा सेमीकोलन, अब दिक्कत ये है कि टैम नॉट इक्वल टू नल करते तो ये जगह नल हो जाएगी, क्रॉस वाली टैम्प हो जाएगी सॉरी, लेकिन मुझे इसको टैम्प बनाना है तो वही सेम बात हम यहां लिखेंगे टैम्प का नेक्स्ट, टैम्प का नेक्स्ट जब तक नल ना आ जाए तभी ये टैम्प होगा। सेमीकोलन लगाया केवल लूप लूप चलेगा, वाइल लूप से भी आप इसको कर सकते हैं। अब आपको केवल यही लिखना है कि टैम के नेक्स्ट में स्टार्ट टू, ये स्टार्ट वन होगा, स्टार्ट वन से शुरू होके नल तक और फिर वो किससे जुड़ जाएगा, स्टार्ट टू से। तो ये हो गया मर्ज ऑफ टू लिंक लिस्ट। अब देखिए यदि मान लीजिए मैं लिंक लिस्ट के दो डिवाइडेशन करना चाहता हूँ, तब हम उसको बोलते हैं स्प्लिट ऑफ टू लिंक लिस्ट। कैसे होंगे दो टुकड़े, कोई ना कोई पोजीशन आपको पूछनी पड़ेगी, मान लीजिए ये मेरी पोजीशन है, तो इसका मतलब पोजीशन आपको मांगनी है, तो मैं आपको कहता हूँ सी इन पोजीशन आपने मांग ली, भाई उस पोजीशन पे रुकना भी पड़ेगा, कौन बताएगा कि कौन सी पोजीशन है, तो वही सेम बात सी बराबर जीरो, अभी मैंने आपको काउंटर चलाना बताया था, सी प्लस प्लस तो हमें पता लगेगा, और लूप इस बार हमें एक स्टेप पीछे नहीं रुकना, टैम नॉट इक्वल टू नल, टैम बराबर स्टार्ट टैम नॉट इक्वल टू नल, टैम्प स्टार्ट से शुरू होगा, टैम्प नल आने तक चलेगा, टैम बराबर टैम का नेक्स्ट होगा, सेमीकोलन नहीं लगेगा, अगली लाइन हमें रीड करवानी है। अब आपने कहा कि जैसे ही सी पोजीशन माइनस वन बराबर होगा, तो ये हम पहली बार तो कर नहीं रहे ये चीज़, कई बार हम लोग कर चुके हैं कि ये टैम्प फिर ये टैम्प
ये टैंप जैसे स्टॉप बोलते हैं, जैसे पोजीशन पे रुकेगा तब ये टैंप होता है, नाम तो एक ही होता है टैंप, अगले नाम हम लोग डिसाइड करते हैं क्योंकि ये टैंप है तो ये टैंप का नेक्स्ट होगा। सिंपल सी बात है, क्योंकि हमें दो टुकड़े करने हैं तो टैंप के नेक्स्ट को स्टार्ट वन नाम दे देते हैं, या अगर ये स्टार्ट वन अगर आप मान रहे हैं कि स्टार्ट वन से शुरू हो रहा है तो अगले वाले को नाम स्टार्ट टू दे देते हैं, दो लिंक लिस्ट बन जाए। तो सिंपल सी बात है कि जैसे ही लूप रुकेगा तो हम लिखेंगे स्टार्ट टू बराबर टैंप का नेक्स्ट, मतलब टैंप का नेक्स्ट का नाम स्टार्ट टू हो गया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इनकी कनेक्टिविटी टूट गई। कनेक्टिविटी कब टूटेगी? जब यहाँ नल डालेंगे, यहाँ मतलब टैंप के नेक्स्ट में। आपने क्या लिखा? टैंप के नेक्स्ट में नल, कनेक्शन टूट गया। ये आपने किया स्प्लिट ऑफ टू लिंक लिस्ट, दो लिंक लिस्ट के टुकड़े। अगर हम बात करते हैं लिंक लिस्ट की सॉर्टिंग की, तो अगर आपको ध्यान हो कि हम बबल सॉर्टिंग में आई बराबर वन, आई लेस देन एन, एन के बदले हम लोग सी ले लेते हैं, मतलब नंबर ऑफ नोड काउंट कर लेंगे हम लोग, और आई प्लस प्लस, और इसके नीचे हम लोग एक जे का लूप चलाते हैं। लेकिन हम यहाँ बबल सॉर्टिंग की तरह जे का लूप ना चला के टैम बराबर स्टार से लूप शुरू करेंगे, और टैम नॉट इक्व टू नल तक, और टैम्प बराबर टैम्प का नेक्स्ट कर, मतलब एक तरह समझो ये जे का लूप चल रहा है जैसा कि बबल सॉर्टिंग में चलता था। अब क्या करना है? अब हम पूछेंगे कि यदि जैसे जे की पोजीशन का कंपेयर पास पास वाली 7, 6, 3, 2 पास पास वाली दो वैल्यू का कंपेयर होता है, इसी तरह से आप पूछेंगे टैम्प का डेटा अगर बड़ा है टैम्प के नेक्स्ट के डेटा से, तो क्या करें बताइए? स्वैपिंग करते हैं। स्वैपिंग के लिए एक थर्ड वेरिएबल ले लेते हैं टी, टी बराबर टैम, टैम बराबर टैम्प का नेक्स्ट, और फिर टैम्प का नेक्स्ट बराबर दोबारा टी। वही सेम स्वैपिंग हो रही है, लेकिन इस बार टैम्प और टैम्प के नेक्स्ट के बीच में स्वैपिंग हो रही है, और वही सेम बबल सॉर्टिंग की तरह पास पास वाली दो वैल्यू का कंपेयर हो रहा है। नंबर ऑफ नोड आपको बस काउंट करने पड़ेंगे।